दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फुल डिटेल्स ASRock P560M Pro 4 मदरबोर्ड के बारे में। इसके क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी मेमोरी आप यूज़ कर सकते हो और सब कुछ इसी मदरबोर्ड के बारे में। तो अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हो जानने के बारे में तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में सब बताने वाला हूँ। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये मदरबोर्ड परचेज़ करना है तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है कि आपको इस मदरबोर्ड में क्या मिलेगा। और फ्यूचर में एक स्पेसिफिकेशन वीडियो भी आने वाली है कंपैरिजन के साथ में दूसरे मदरबोर्ड्स के साथ में, तो वो देखना है तो उसके लिए भी चैनल को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है ASRock B560M Pro 4 मदरबोर्ड, ये बाकी B560 चिपसेट की तरह ही 10th जनरेशन और 11th जनरेशन इंटेल कोर i3 i5 i7 को अच्छे से सपोर्ट करता है। तो इसमें कंपैटिबिलिटी के यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है, 10th जनरेशन भी चलेगा, 11th जनरेशन भी यहाँ पे अच्छे से चल जाएगा। इस CPU के VRM डिज़ाइन की बात करें तो ये 8 पावर फेस डिज़ाइन के साथ में आता है और 50 amp के चोक्स है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फिर आप बोलोगे कि बताया नहीं, तो ये वीडियो में मेरे पास अभी कोई मदरबोर्ड नहीं है। तो फ्यूचर में अगर कभी भी मेरे पास मदरबोर्ड आ जाता है या मैं लेता हूँ या कुछ भी होता है तो वो उसकी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मदरबोर्ड नहीं होने वाला। मैं आपको इसके डिटेल में स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, तो जिनको लेना है ये उनको एक अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको 4 रैम स्लॉट्स मिलेंगे। आप जो रैम लगा सकते हो वो है DDR4 टाइप की, अप टू मैक्सिमम 128 GB तक की रैम इसमें लग जाएगी। ओवरक्लॉकिंग की बात करें तो आप इसमें रैम ओवरक्लॉकिंग को अप टू 4800 MHz तक ट्राई कर सकते हो, लेकिन 11th जनरेशन में, क्योंकि 10th जनरेशन में लिमिट्स थी, 11th जनरेशन में आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। अगर आप एक ऐसा CPU ले रहे हो इंटेल का जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो इस मदरबोर्ड में आपको HDMI मिलेगा 2.0 और डिस्प्ले पोर्ट मिलेगा 1.4। तो दोनों ही जो डिस्प्ले आउटपुट ऑप्शंस है HDMI और DP पोर्ट, दोनों में से ही आप 4K रेजोल्यूशन तक आउटपुट ले सकते हो 60 Hz तक का। तो 4K एट द 60 Hz पॉसिबल है। लैन पोर्ट की बात करें तो इसमें आपको 1000 Mbps का लैन पोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपके पास इतना अच्छा कनेक्शन है तो आप इसको कनेक्ट करके लैन के जरिए यूज़ कर सकते हो 1000 Mbps पे। इस मदरबोर्ड में आपको 2 16x वाले स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, तो यानी 2 फुल ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हो AMD। तो इसमें आपको 2 फुल लेंथ के जो PCI स्लॉट्स है वो देखने को मिल जाते हैं 16x लेंस वाले, और आप इसमें 2 ग्राफिक कार्ड लगा के AMD क्रॉस फायर भी यूज़ कर सकते हो इसमें। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो स्लॉट्स है, जो पहला स्लॉट है PCI 16x लेन वाला, वो स्टील स्लॉट है, आर्मर्ड है और ये 4.0 सपोर्ट करता है। 4.0 पे तभी चलेगा जब आपके पास 11th जनरेशन का इंटेल CPU है। अगर आपके पास 10th जनरेशन है तो आपको 3.0 ही यूज़ करना होगा, क्योंकि जो इंटेल के 10th जनरेशन CPUs थे वो सिर्फ 3.0 सपोर्ट करते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको एक 1M.2B की ई टाइप वाला मिलेगा, यानी आप अगर जो छोटा वाला वाईफाई और ब्लूटूथ वाला जो PCI या M.2 टाइप वाला, PCI नहीं, M.2 टाइप वाला अगर आपके पास वाईफाई या ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो आप लगा सकते हो M.2 में की ई वाला, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें स्लॉट है। तो अगर आप चाहो तो एक की ई M.2 टाइप वाला वाईफाई ब्लूटूथ मॉड्यूल ले सकते हो और इसमें इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। इस मदरबोर्ड में आपको 6 सेटा पोर्ट्स देखने को मिलता है, यानी आप 6, अगर आपको सिर्फ हार्ड डिस्क यूज़ करनी है या SSD यूज़ करनी है तो आप 6 तक यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स अगर आप M.2 को यूज़ करोगे, NVMe इंस्टॉल करोगे या SATA इंस्टॉल करोगे तो कुछ जो SATA पोर्ट्स है वो डिजेबल सभी मदरबोर्ड में हो जाते हैं। तो इसमें आपको 6 SATA पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक M.2 हाइपर भी देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर एक स्टील, जिसके ऊपर जो M.2 हीट सिंक है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो ये जो स्लॉट है M.2 NVMe वाला, जो M.2 स्लॉट है फर्स्ट वाला, वो PCI 4.0 सपोर्ट करता है और सिर्फ 11th जनरेशन इंटेल कोर i3 i5 i7 के साथ में काम करेगा जिसमें PCI 4.0 का सपोर्ट हो। अगर आप 10th जनरेशन वाला कोई CPU यूज़ कर रहे हो इंटेल का i3 या i5 या i7, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें PCI 4.0 नहीं है। तो आपको इसमें एक सेकेंड वाला स्लॉट दे रखा है जिसको बोला जाता है अल्ट्रा M.2, वो PCI 3.0 वाला है और उसमें आपको 4 लेंस मिल जाएंगे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो लेकिन वो चिपसेट के थ्रू होके काम करेगा। अब कुछ स्पेशल कनेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो सबको ही चाहिए रहता है कि इसमें RGB है या ARGB है, कुछ भी हो चल जाएगा पर RGB तो होना ही चाहिए। तो इसमें आपको 2 RGB हेडर्स देखने को मिलते हैं, 2 ARGB हेडर्स मिलते हैं। एक अगर आप वाटर कूलिंग AIO लगा रहे हो तो आपके लिए उसको पंप एक
कनेक्टर लगता है वो भी इसमें अवेलेबल है, तो आप पंप के लिए कनेक्शन दे सकते हो, वरना अगर ये कनेक्टर ना हो तो आपको जो सीपीयू फैन वाला हेडर है उसमें पंप का कनेक्शन देना पड़ता है, जो मैंने खुद अपने जो सिस्टम में दे रखा है, क्योंकि मेरे मदरबोर्ड में डेडिकेटेड पंप AIO का कनेक्टर नहीं है, लेकिन इस मदरबोर्ड में ASRock B560 Pro 4 में ये कनेक्टर मिल जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें तीन और कनेक्टर्स मिल जाते हैं जो आप AIO, जो AI रेडिएटर रहता है AIO वाला, तो उसमें जो फैंस लगते हैं उसके लिए यहाँ पे तीन फैंस के लिए यहाँ पे कनेक्टर दे रखा है, AIO फैन कनेक्टर दे रखे हैं तीन तीन। तो अगर आप 360 mm का AIO लेते हो और उसमें तीन फैंस लगेंगे, तो आप इसको तीनों के साथ डायरेक्टली मदरबोर्ड में बिना किसी हब के यूज़ कर सकते हो। तो ये तो था सब कुछ इस मदरबोर्ड के बारे में डिटेल में। अगर आपके मन में कोई और क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो प्राइसिंग चल रही है फिलहाल वेदांत कंप्यूटर, MD कंप्यूटर और जो हमारी मार्केट है उसमें, वो है 10,500 से 11,000 के बीच में, मोस्टली 10,500 के बीच में आपको इजिली मिल जाएगा। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट वो सब लगती है, उसके हटा के जो इसकी कॉस्ट है वो 10,500-10,800 के आसपास है। तो इस प्राइस में काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, स्पेशली जो इसके लुक्स आपको दिख रहे होंगे पिक्चर्स में, काफ़ी सॉलिड लुक्स है इसके, और जो VRM है वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, RGB है और आर्मर्ड है, एकदम स्ट्रॉन्ग टाइप का मदरबोर्ड है। और अगर मैं आपको प्रो 4 सीरीज़ के बारे में बताऊँ तो प्रो 4 सीरीज़ बहुत पॉपुलर है, VRM के लिए बहुत जानी जाती है। अगर मेरे पास मदरबोर्ड होता तो मैं VRM टेस्टिंग कर लेता, VRM के टेम्परेचर्स दिखा देता और आपके सामने ही टेस्ट रन कर देता, लेकिन मेरे पास मदरबोर्ड अभी नहीं है तो ये सब मैं कर नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर में ये सब ज़रूर होगा। तो ये जो मदरबोर्ड है प्रो 4 बहुत पॉपुलर माना जाता है और उसी सीरीज़ में ये मदरबोर्ड है। तो अगर आपको लेना है तो इसके जो बेस्ट बाय लिंक्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अमेज़ॉन के भी और MD कंप्यूटर्स के भी आप देख सकते हैं, MD कंप्यूटर्स का तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन अमेज़ॉन के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपको लेना है अमेज़ॉन से ही तो नीचे जो मैंने लिंक्स दिया गया है उसको ज़रूर यूज़ करना, उससे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप ले रहे हो तो वो लिंक पे क्लिक करके ही ले रहा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना कम्युनिटी ग्रुप में, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस भी देखनी है तो चैनल टेक्निकल गाइड KV को अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।